नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल हिस्ट्री पॉइंट अभी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इंडियन हिस्ट्री से तुगलक वंश के ऑब्जेक्टिव क्विज का दूसरा पार्ट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें हम आपको 71 से 140 तक सभी क्वेश्चन कराएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम SSC CGL CPO CPO CHSL MTS रेलवे और UPSC और सभी स्टेट एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो गए। आओ, बिना देरी के हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का 71 क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कब चीन का राजदूत नियुक्त किया था? 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन का राजदूत नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? मोहम्मद बिन तुगलक का जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था। क्वेश्चन नंबर 73, उस जैन संत का नाम क्या था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किए थे, जिन प्रभु सूरी के साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किए थे। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जिन प्रभु सूरी से आधी रात तक बातचीत की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी से आधी रात तक बात की थी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने सबसे दीर्घ अवधि तक शासन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक दीर्घ अवधि तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 76, किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था? मोहम्मद तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था। क्वेश्चन नंबर 77, दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा? मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 78, दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या शहदास माना था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या शहदास माना था। क्वेश्चन नंबर 79, किसने कहा था मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता, वह सर दर्द ठीक होता है और तुरंत बुखार हो जाता है, वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है, यह कहा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 80, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था, इसलिए वह असफल व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 81, मोहम्मद बिन तुगलक के चारों योजनाओं पर विचार कीजिए कि कौन सी पहले आई और कौन सी बाद में। सबसे पहली योजना आई थी दोआब योजना, दोआब में राजस्व वृद्धि, फिर आई थी राजधानी परिवर्तन, दौलताबाद से दिल्ली और देवगिरी से दौलताबाद की थी। फिर आया था तीसरे नंबर पर संकेतिक मुद्रा, तीसरे नंबर पर आया था संकेतिक मुद्रा और चौथे नंबर पर आया था खुरासान अभिप्राय। 2-1-4-3, 2-1-4-3 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82, कथने मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्ग द्वारी नामक शिविर में रहा, यह सही है। कारण आर, उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत सारे लोग मरे गए थे, यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है, ए ओ आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 83, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? यह मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 84, फिरोज शाह तुगलक का कब शाही शिविर में राज्याभिषेक हुआ? फिरोज शाह तुगलक का 22 मई 1351 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ। क्वेश्चन नंबर 85, नीचे विभागों की सूची दी गई है, इनमें से किसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? दीवाने खास की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, दीवाने बंदगान की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी, दारुल सपा की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी, रोजगार कार्यक्रम की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो इसके हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 तीनों सही। क्वेश्चन नंबर 86, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? फिरोज तुगलक ने इन सभी की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस एक दिल्ली के सुल्तान में ने एक रोजगार कार्यक्रम, एक दीवानी खैरात और दारुल सफा की स्थापना की? दारुल सफा और रोजगार कार्यक्रम की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 88,
तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? यह एक खैराती अस्पताल था। क्वेश्चन नंबर 89। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ स्त्री, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए दीवाने खैरात की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 90। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों में सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था, वह फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का इस्तेमाल किया था, नहरों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? फिरोज तुगलक ने लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था। क्वेश्चन नंबर 92। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 93। सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया था? फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 94। सर्व कर लगाया जाता था, सर्व कर सिंचाई पर लगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 95। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? हक ए सर्व और सिंचाई पर कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान फिरोज तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए मुक्त खराज नहीं था, बाकी ये दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान, दारुल सफा, ये तीनों फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित थे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97। 97। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था, वह था फिरोज तुगलक, जिसने दीवान ए खैरात स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 98। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? फिरोज शाह तुगलक राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। क्वेश्चन नंबर 99। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तनत का कौन सा सुल्तान था? फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 100। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की? उसके दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके। फिरोज तुगलक ने इस उद्देश्य से अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 101। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करने का कार्य प्रारंभ किया था? फिरोज शाह तुगलक ने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करने का कार्य प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 102। दिल्ली का वह सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। क्वेश्चन नंबर 103। टोपरा तथा मेरठ में दो अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक टोपरा और मेरठ से दो अशोक स्तंभ लाया था। क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था? फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के विशाल स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था। क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? फिरोज शाह तुगलक ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया। क्वेश्चन नंबर 106। निम्न सुल्तानों में से किसे सुल्तान से सैयद उस सलातीन की पदवी प्रदान की थी? फिरोज शाह तुगलक ने सैयद उल सलावीन की पदवी प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 107। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था, दिल्ली का वह सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था जिसने अपना संस्मरण लिखा था। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108। फुतुहात ए फिरोज शाही किसने लिखा था? फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से किसकी रचना का श्रेय स्वयं फिरोज शाह
तुगलक को दिया जाता है। फितुलहात ए फिरोज शाही की रचना का श्रेय स्वयं फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, वह कौन सा शासक था जिसने एक सैनिक निरीक्षण लिपि को घूस देने के लिए एक सोने का एक सिक्का दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने एक सैनिक निरीक्षक लिपि को घूस देने के लिए सोने का सिक्का दिया था। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित किस सुल्तान ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था। फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था। क्वेश्चन नंबर 112, फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूल किया, उसी भूमि से यह कर वसूल किया था। क्वेश्चन नंबर 113, फिरोज शाह तुगलक ने जहांगीर प्रथा की प्रथा को पुनः स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए। फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज तुगलक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन दासों का शौकीन था। फिरोज शाह तुगलक दासों का शौकीन था। क्वेश्चन नंबर 117, दासों की देखभाल हेतु फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की। दासों की देखभाल हेतु फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 118, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 119, कुतुब मीनार को जैसा हम आज देखते हैं अंततः पुनः स्थापित किया था। फिरोज शाह तुगलक ने अंततः कुतुब मीनार को स्थापित किया था। इसमें बिजली गिरने से कुतुब मीनार की एक मंजिल नष्ट हो गई थी, जिसके स्थान पर फिरोज शाह तुगलक ने उस पर दो छोटी छोटी नई मंजिल बनाई थी, जो आज का कुतुब मीनार है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तानों ने सामान्यतः खलीफा के नायाब के रूप में अपना नाम सिक्के पर अंकित करवाया। तुगलक वंश ने अपना नाम सिक्के पर अंकित करवाया। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से किस तुगलक सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने आप को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 123, इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी के अनुसार दिल्ली का आदर सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का आदर सुल्तान था, इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित कृतियां जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई थी। तारीख ए फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी, यह कृतियां जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई थी। 125, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है। फतवाए जहांदारी में पुस्तक में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है। 126, सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे में अभी पूर्ववर्ती सुल्तान के नाम सम्मिलित थे। निम्नलिखित नामों में से कौन सा एकमात्र अपवाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम इसमें एकमात्र अपवाद था। क्वेश्चन नंबर 127, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर तथा फिरोजपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर तथा फिरोजपुर नामक शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 128, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से किस शहर को सिराज हिंद के रूप में जाना जाता है। फिरोजाबाद को सिराज हिंद के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 130, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं सेवा का वंशानुगत बनाया। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं सेवा को वंशानुगत बनाया। क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से किस सुल्तान को अर्धायुविश नामक दो सिक्के चलाने का श्रेय जाता है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को अर्धायुविक नामक दो सिक्के चलाने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 132, भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को
भूमि को ठेले पर देने ठेके पर देने की प्रथा किसने शुरू की थी? भूमि को ठेके पर देने की प्रथा फिरोजशाह तुगलक ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 133, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू माँ से हुई? दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की उत्पत्ति हिंदू माँ से हुई। क्वेश्चन नंबर 134, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 135, 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान कौन बना? फिरोज शाह की मृत्यु 1388 के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान यासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय बने। क्वेश्चन नंबर 136, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। क्वेश्चन नंबर 137, तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तैमूर ने नसरुद्दीन महमूद के समय पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा। क्वेश्चन नंबर 138, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 139, किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ? तुगलक वंश में के अंतर्गत विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 140, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।